सोलो रैंक पोस्ट करते हो और ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, सही पकड़े हैं। अरे तब तो ऐसा होता ही होगा, जहाँ लास्ट जोन है 10 बंदों को तुम मार चुके, सिर्फ 2 बंदे बाकी हैं। लेकिन जब 1v1 होता है उनसे तो आप लोग पैंट खोल के हग देते हो। लेकिन यार ये ऐसी वीडियो यार। देखो मैं तुमको ना इस सीजन की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, एकदम नई। वेरी गुड। मेरा जो खेलने का तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। मेरे पास गन होते हुए मैं घूंसे से मुक्का मारता हूँ और हेडशॉट मार के किल कर देता हूँ। अरे वैसे मत सोचो, गलती से क्लिप लग जाती है। रियल चीज तो अब मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। क्या, 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 क्या? मैं तुमको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दूंगा कि जहाँ से तुम्हें कोई देख नहीं सकता। अबे साले। और वहाँ पे चढ़ना इतना आसान है कि भाई मैं एक बार में ही चढ़ जाता हूँ और पूरी पूरी स्क्वाड खत्म कर देता हूँ चढ़ के। तू चूतिया वूतिया है क्या? अरे भाई पता नहीं क्या क्लिप लग रही है, लेकिन सच में मेरे पास ऐसे 4-5 जगह है जहाँ मैं चढ़ा हूँ। और देखो मैं कभी कभार नहीं चढ़ पाता ना तो मेरे पास एक उपाय है, सुनो इसे। कभी सेंधा नमक लगा के चढ़ के देखिए, आवाज एकदम कोयल की तरह निकले। हाँ यार ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ग्रैंड मास्टर जाने के लिए तुम लोगों को बेसिक से बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला टिप है मोस्ट डेंजरस स्किल कॉम्बिनेशन। मैं ना यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ तो और एक बंदे ने भर दिया, लेकिन फिर भी बच गया। मौत से खेल के आने की, समझ रहे हो? यहाँ पे फिर मारा, फिर बच गया। लेकिन जैसे ही वो आया वो नहीं बचा, हेडशॉट मार के खत्म खत्म। अगर तुम इस क्लिप को स्लो मोशन में देखोगे ना तो मैं देखो कैसे बचा। यहाँ जब मैं बैठा हुआ था मेरी HP 230 की थी, ऑलरेडी उसने इतना डैमेज दे दिया, बट यहाँ देखो एंटोनियो की वजह से गाइस 30 HP मेरी बची। जब मैं नीचे कूदा यहाँ पे, अभी वो जो है ना अटैक करना छोड़ता नहीं, वापस मारता, और अब जो है मेरी सिर्फ 11 की HP बचती। तो यार एंटोनियो ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैं यहाँ बच गया, मैंने यहाँ पे मार दिया, वरना मेरा गजब का माइनस लगता। बात तो सही है। इसलिए स्किल कॉम्बिनेशन में है एंटोनियो, तत्सुया एंड लुकिता रैफल के साथ। अच्छा अच्छा, ऐसा स्किल कॉम्बिनेशन तुम कभी बना सकते थे अपने दिमाग से? मतलब तुम क्या बनाओगे भाई, तुम्हें कुछ आता है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये समझो लुकिता किस हिसाब से काम करता है। जैसे ही तुम 2 किल मार रही हो, मैंने एक यहाँ पे किल मारा और मुझे यहाँ पे 50 की HP मिल जाएगी। अबे साले। नहीं 25 की मिलेगी। दूसरा किल मारोगे ना वैसे 50 की मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये मैक्स तुमको 50 HP मिलेगी। और उसके बाद तुमको पता है तुम क्या कहर मचाने वाले, एंटोनियो प्लस ये मिला के 80 HP तुमको मिल जाएगी। साथ में रैफल भी है, तुम कैंपर भी बन जाओगे। वुड पेकर, ड्रैगनोवा, AC-80 ये सारे गन्स में ना ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाएगा और तुम किसी को भी मार किसी को भी मारोगे ना, पहले तो उसे टाइम लगेगा कहाँ से गन पड़ रही है, उसके बाद वॉल लगाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, काफी डैमेज खा चुका होगा, नहीं तो मर चुका होगा। अच्छा। और तत्सुया का तो तुमको पता ही है क्या यूज है तत्सुया का? हमको नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, मैं भी नहीं बताने वाला। क्या नूब बंदे हो, क्या जाओगे ग्रैंड मास्टर, यही नहीं पता भी तुम्हें? चोरी मत कर लोड़े। अरे भाई ऐसा मत करो, देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये बहुत तेज भागता है तत्सुया कैरेक्टर, इतना तो पता ही होगा। अच्छा। टिप नंबर 2, हिडन प्लेस। सोलो में अगर रैंक पुश करना तो यार हिडन प्लेस तो होनी चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे जाना है। वेरी गुड। हालांकि मैं जा नहीं पाता हूँ यार, सच बताऊं तो भाई इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझे माफ कर देना भाई। अरे चले कोई नहीं, गेम खेलते। अरे मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चढ़ने आता है, चलो नूबड़ो। गाली बकंगे। सॉरी, अभी देख लो इसको, पीक के ऊपर जो है ना तुम अच्छा कैंप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हिडन प्लेस है ये वाला, यहाँ पे आपको 2 वॉल लगानी होगी और इसके ऊपर चढ़ना होगा। कैसे? यहाँ पे ना एक ग्लिच है, पहली बार चढ़ोगे नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार चढ़ोगे अपने आप चढ़ जाओगे इसके ऊपर, एंड देन 2 वॉल तो है, इन दोनों के ऊपर चढ़ के इसके अंदर आके आराम से कैम कर सकते हो। और एक हिडन प्लेस है आराम से, जो भी ऊपर आएगा तुम उसे आसानी से मार सकते हो, अगर फायर पावर ज्यादा हुआ, नूब नहीं हुए तो। अच्छा। वैसे अगर तुम सभी लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब बुरा मत मानना, मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा नहीं। थोड़ा तो यार इंसानियत दिखाओ, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, कर दो ना यार प्लीज। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? देखो नेक्स्ट्रा मैप में ना लास्ट जोन के अंदर अगर तुम्हें कहीं ऊपर चढ़ना है तो भाई तुम इसे यूज करके आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से। इसे कहते हैं जंप पैड, जो 600 में मिल जाती है और ये एकदम परफेक्ट जगह है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हल्का सा ऊपर रखना, आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन वैसी जगह पे तुम नहीं चढ़ पाओगे गाइज, ये बहुत आसान है। और एक बार यहाँ चढ़ गए लास्ट जोन के अंदर, तुम आसानी से गाइज ऊपर से किसी को भी मार सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मारो, इसको पता भी नहीं चल रहा, साथ में रैफल की वजह से गाइज साइलेंसर है, पता ही नहीं चलेगा एनिमी को, तुम आसानी से किल निकाल सकते हो।
सकते हो। सामने बस मेरे अलावा दो बंदे बाकी, अब उनको देखो मैं कैसे मारता हूँ। इसको कैसे मैंने 3 शॉट मारा, अब ये जो दिख नहीं रहा वॉल लगा ली। लेकिन गाइस एक बंदा, उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, साइलेंसर की वजह से मैंने इसको खत्म कर दिया। सिर्फ एक बंदा बाकी है और यहाँ पे कैसे तुमने गेम पूरा चेंज कर दिया। लास्ट वाले बंदे को आसानी से क्लोज रेंज में जाके तुम मार सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ वन टैप मार के खत्म कर दिया और आसानी के साथ भूया कर दिया। चुप कर बे कुत्ते, क्या भाई सब्सक्राइब ही नहीं के ऊपर से ऐसा बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, लास्ट टिप मेरी तरफ से देख के जाओ लास्ट जोन में कैसे खेलते हैं। देखो लास्ट जोन में अगर खेलने आना, तुम्हारी जो नजर है वो चारों तरफ दौड़ते रहनी चाहिए, कहीं पे भी तुम बैठे हुए मत मिल जाना। फॉर एग्जांपल कहीं तुम कैंप करके बैठ जाते हो, वो भी एक सिचुएशन आती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है आगे पीछे घूमते रहो, ताकि कोई भी ना कोई दूर से भी देख के कैंपर आके रश करके तुम्हें मारे ना। आगे पीछे घूमते रहो और एक जगह के आसपास ही घूमते रहो, ये नहीं कि कहीं बहुत ही आगे निकल गए। घात लगा के बैठो जानवरों की तरह। जैसे एक एनिमी यहाँ पर आया और मैंने इसको क्या 2 शॉट मारे, मेरे पास एसवीडी थी साइलेंसर के साथ और गाइस यहाँ पे देखो कितना ज्यादा डैमेज दे दिया, क्योंकि मेरे पास हाई डैमेज गन थी रैफल के साथ, साइलेंसर ऑटोमेटिकली लगी रहती है, इसको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक चीज और, यहाँ पे लूट करने नहीं बैठ जाना, सबसे पहले तुमको जो है ना कवर में हो, लेकिन ओपन कवर में नहीं, एकदम क्लोज कवर में रहो, जैसे कि ये है, और बैठ जाओ, लूट करने मत जाओ, हल्का कल लूट करो, बाहर आके फिर अंदर की तरफ भाग जाओ। फिर उसी जगह के आसपास ना अपना पूरा टाइम देखो, कोई एनिमी आ रहा है नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो तुमको नीचे जाना चाहिए ढूंढने के लिए, क्योंकि जोन भी आ रहा है, जोन के एकदम ना थोड़ा बीच में जाने की ट्राई करो। इतने मेरे को कोई एनिमी दिखता है तो मैं उसको 2 शॉट मारता हूं वहां पे, लेकिन मैं रश नहीं करता, अभी मैं पीछे की तरफ देख रहा हूं। प्लीज अपनी नजर जो है ना आगे पीछे घुमा के रखो हर जगह। फिर उसके बाद तुम जोन की तरफ बढ़ो, जैसे कि मैं नीचे की तरफ आ गया जोन में और यहाँ पे कोई भी नहीं था, मेरे अलावा सिर्फ 4 बंदे, लेकिन देखो मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे कि देखो एक एनिमी मुझे नहीं देख पाया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होगी गाइस कि इधर से भी कोई एनिमी आएगा, मैंने इसको मार दिया। देखो 2 शॉट मारा, लास्ट था एक प्रोगन मार के खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे पता है कि सामने वाले घर में भी एक एनिमी था और वो देखो बिल्कुल होमर से उसने मुझे मारा, लेकिन मैंने ग्रेनेड को कुक किया और अब जो है ना मैं एक पॉसिबिलिटी तरीके से पता लगाऊंगा कि कहां पे मारूं, तो मैंने कहा अंदर मारते, लेकिन अंदर तो फूटा कुछ हुआ ही नहीं, फिर मैंने कहा ऊपर मारते वहां पे वो हो सकता है। और बिल्कुल गाइस जैसे ही मैंने उसके ऊपर मारा वहां पे देखो डैमेज आया 123 का, मैं अंदर घुसा, मेरे पास स्किल ब्लॉकर भी थी लेकिन मैं बोलिन लगाया और मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे मार दिया, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने खत्म किया। उसके लैंडमाइन वगैरह भी लगे हुए थे लेकिन काम तमाम हो गया। बाकी के गाइस जो लास्ट 2 बंदे थे, मेरे पास एसवीडी जैसी गन थी, वो देखो उधर फाइट कर रहे, मैंने उसको 2 शॉट में मार दिया, इतना ज्यादा ओवर पावर होता है। वेरी गुड, अगर तुम रेफर लगा लेते हो तो पता ही नहीं चलेगा साइलेंसर से कहां तुम मार रहे हो। और गाइस लास्ट वाला बंदा देखो कैसे उस टावर के ऊपर था, अब मैंने क्या किया यहां पे वेट किया उसका आने का, जब वो नीचे कूदेगा तभी मारूंगा, और बिल्कुल गाइस वैसा ही होता है, वो जैसे गाइस नीचे कूदता हेडशॉट मार देता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये 2 वीडियो तुम देख सकते हो जाते जाते।